हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंट्रो टूर्स। आज हम डिटेल में देखेंगे कि टेम्पोरल डेटाबेस क्या है। सो प्लीज स्टे ट्यून विद इंट्रो टूर्स। सो व्हाट इज टेम्पोरल डेटाबेस, मतलब टेम्पोरल डेटाबेस क्या है? तो टेम्पोरल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस है जो आपका सिंपल डेटाबेस होता है, उसमें आप टाइमिंग ऐड करते हो तो वो डेटाबेस बन जाता है टेम्पोरल डेटाबेस। तो आपको ऐसा लगता होगा कि टाइमिंग क्यों ऐड करना होता है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ये तीन टाइप ऑफ टाइम अवेलेबल है, उसमें वैलिड टाइम है, ट्रांजेक्शन टाइम है एंड बाय टेम्पोरल टाइम है। इन शॉर्ट, टेम्पोरल डेटाबेस में हम सिंपल डेटाबेस में जो टाइमिंग ऐड करते हैं, टाइम स्टैम्प अगर के है तो अभी ठीक है, तो जो हम टाइमिंग ऐड करते हैं उसे कहते हैं टेम्पोरल डेटाबेस। सिंपल है ये, ठीक है। बाद में वैलिड टाइम, तो ये पहला टाइप है। वैलिड टाइम इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ फैक्ट इज ट्रू इन द रियल वर्ल्ड। मतलब ये एक ऐसा टाइम स्लॉट है जो कोई भी इश्यू हुआ हो या कोई भी घटना घटी हो रियल वर्ल्ड में, जैसे कि सैलरी इंक्रीज होना, तो वो वैलिड टाइम में आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के दौर से आपको बताता हूँ कि अगर फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, मतलब 2006 में आपका शेयर कितना इंक्रीज हुआ था, वो अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे अगर आपने सिंपल डेटाबेस रखा होगा तो? क्योंकि उसमें टाइम स्टैम्प हमने रखा ही नहीं है, टाइम ही नहीं रखा है, इसीलिए हमको वैलिड टाइम पुट करना होता है बाजू में, ठीक है। फिर रिजर्वेशन सिस्टम है, व्हेन वाज फ्लाइट बुक। अगर प्रेजेंट में आपको देखना है कि मैंने 2006 में कब फ्लाइट बुक की थी, कौन से मंथ पे, तो और कौन से ईयर में बुक की थी, वो देखना है, तो वो हम वैलिड टाइम पुट करेंगे सिंपल डेटाबेस में तो पता चलेगा। फिर मेडिकल सिस्टम, उसमें अगर आपको पास्ट का पेशेंट का रिकॉर्ड देखना है तो ये हेल्पफुल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिस्ट्री ऑफ फाइल बैकअप, मतलब आपकी बैकअप फाइल कब आपने रखी थी वो देखनी है, तो आप ये वैलिड टाइम यूज कर सकते हो। ये एग्जांपल है, ये जेम्स है, उस पीएचपी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी सैलरी है 10,000 और 2005 और 2006 उसका टाइम स्लॉट है कि 2005 से 2006 के बीच में उसकी सैलरी 10,000 हुई थी। वो अभी मैं 2016 में हूँ और मेरे को जानना है, मेरे को पता करना है कि उसकी सैलरी 10,000 कब थी, तो ये डेटाबेस होगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी 2005 जेम्स की 2005 टू 2006 के बीच में 10,000 की सैलरी थी। वैसे बियन है और एरिक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाता है कि व्हाट इज वैलिड टाइम और क्या जरूरत है टेम्पोरल डेटाबेस की। और ये दूसरा टाइप है ट्रांजेक्शन टाइम। तो ट्रांजेक्शन टाइम क्या है? ट्रांजेक्शन टाइम इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ फैक्ट स्टोर्ड इन द डेटाबेस वॉज नोन। मतलब ट्रांजेक्शन टाइम एक ऐसा टाइम है जब आप डेटाबेस में एंट्री कर रहे हो तब का टाइम है। मतलब अभी मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ और मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो हाल में कौन सा ईयर है, अभी ईयर कौन सा चल रहा है, उसकी एंट्री मेरे को ट्रांजेक्शन टाइम में डालनी होगी, तो ये है ट्रांजेक्शन टाइम। अभी मैंने यहाँ पे एंट्री की है और अभी 2016 का ईयर चल रहा है, तो एग्जांपल में आप देख लीजिए, जेम्स की सैलरी पीएचपी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी सैलरी 10,000 थी और उसमें अभी ये टाइमिंग नहीं डाला है, वैलिड टाइम नहीं डाला है, ट्रांजेक्शन टाइम डाला है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ट्रांजेक्शन टाइम की क्या ज़रूरत है। तो ट्रांजेक्शन टाइम अगर हम 2020 में है और हमको हमारे डेटाबेस रोल बैक करना है, तो हमको ट्रांजेक्शन टाइम के थ्रू पता चल जाएगा कि भाई 2016 में मैंने ये सैलरी की एंट्री रखी थी, तो यहाँ से मेरे को बैकअप रोल बैक करना है, ठीक है। तो वो आपको बेनिफिट, उसका मेन यूज रोल बैक है। बाद में है बाय टेम्पोरल टाइम, ये मोर प्रिफरेबल है, उसमें ट्रांजेक्शन टाइम और वैलिड टाइम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लिखा ही है मैंने यहाँ पे कि बाय टेम्पोरल डेटा कंबाइन बोथ वैलिड एंड ट्रांजेक्शन टाइम, इट स्टोर्स डेटा विथ रिस्पेक्ट ऑफ बोथ वैलिड टाइम एंड ट्रांजेक्शन टाइम, और ये मोर प्रिफरेबल है
क्योंकि दोनों टाइम इसमें इंक्लूड है। तो आप रोल बैक भी कर सकते हो और आपका जो टाइम स्लॉट है जब आपकी सैलरी इंक्रीज हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको जानना है कि जेम्स की सैलरी कब इंक्रीज हुई थी तो और कब 10,000 थी, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 2005 टू 2006 के बीच में 10,000 थी और ये एंट्री हमने कब रखी थी, तो वो पता चलेगा ट्रांजेक्शन टाइम से कि 2016 में मैंने ये एंट्री रखी थी डेटाबेस में। सो ये मोर प्रिफरेबल है। सो आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली टेम्पोरल डेटाबेस है क्या। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कीजिए मेरा वीडियो। ये मैं एक हेल्प के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।